माननीय विधायक दर्जी की उपस्थिति में बता रहा हूँ, यहाँ की मिट्टी को चंदन समझकर माथे से लगाता हूँ। फरा साहब, मिट्टी नहीं मिलती है तो खड्डा खोद के मिट्टी निकालता हूँ। ऐसा इसलिए करता हूँ कि आज से 17 साल 4 महीने 29 दिन पहले मैं खुद की शादी के लिए यहाँ लड़की देखने आया था। जब मेरी एक्सपायरी डेट नजदीक थी, लड़की तो पसंद आनी थी। मैंने कहा देवी तो क्या, वो श्रीदेवी थी। मैंने कहा देवी तू मुझे पसंद तो आ गई, पर ये बता दे तेरे पिताजी की हैसियत कार देने की है क्या? लड़की दरभंगा की थी, पलट कर बोली पिताजी की हैसियत तो हवाई जहाज देने की है, तुझमें दम हो तो हवाई अड्डा बना के दिखा दे। मुझसे ज्यादा अपेक्षा मत करना कि मैं बहुत कोई ज्ञान ध्यान की बातें करूंगा, क्योंकि विद्वान लोग यहाँ मंच पर है। मैं तो सिर्फ भूमिका में हूँ, मैं अपने आप को कभी नहीं मानता, मैं सिर्फ आपको हंसाऊंगा। क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ कि आप तो एंजॉय करो, कोई तनाव मत पालो। प्रकृति का 15 टन बोझ हम पर ऑलरेडी है, बिना बात। जब हकीकत में सही है भौगोलिक, आप पढ़ो भूगोल को, थोड़ा पढ़ा लिखा करो, उसमें लिखा है हर व्यक्ति के ऊपर 15 टन का बोझ है। तो आप ये भुगत के कलेश टेंशन पाल के अपन बोझ क्यों बढ़ा भाई? क्या करना अपने को, मस्त रहो। और एक बात कहता हूँ, अगर आप तक पहुंचा है तो तालियों से बता देना कि एंजॉय करो। एंजॉय करोगे तो कभी एंजियोग्राफी नहीं करानी पड़ेगी। बढ़िया बात है भाई, वाह वाह। मत करो यार, कोई तनाव मत पालो, कोई लोड मत लो। मैं खड़ा हूँ तब तक तो लोड लेने की जरूरत ही नहीं आपको। और मुझसे अपेक्षा मत करना कि मैं कोई बहुत ज्यादा जोर जोर से चीख चीख के कविताएं पढ़ूंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं पतले वायर में से ज्यादा वोल्ट का करंट पास करो तो फॉल्ट होने का खतरा है। हंसने के लिए लंबी बात तो कोई कहीं से भी हंसी आ जाती है, हंसने का क्या? 10 साल तक सरदार मैडम के पास बैठा रहा, अभी फिर बैठा। अरे क्या हंसने के लिए कोई जरूरत पड़ी? कहीं से भी आपके भीतर हंसी होना चाहिए, हंसी बाहर निकल के आ जाती है। तब भी कुछ नहीं कर पाया, अभी भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन साहब एक बात ईमानदारी से बता दूं, मेरे बड़े भैया हैं प्रताप फौजदार जी, वो भी जानते हैं, प्रताप जी से लेके गजन भैया तक जितने कभी बैठे हैं सब, कोई गंग का विंध्या चले, कोई हमारा मंगल पर्व है, कोई हमारी धरोहर है, कोई सुमेरु है, ये हिंदी कविता के अजस्त्र नक्षत्र बैठे हुए हैं। हम सबको इतनी कम भीड़ में पढ़ने की आदत नहीं है, हम सब रोज रात हजारों की भीड़ में पढ़ते हैं। लेकिन आज एक बात ईमानदारी से कह रहा हूं मिश्र जी, कि वो हजारों की भीड़ हमारे लिए गुलाल की तरह है, और आज ये जो थोड़ी सी भीड़ है ना, ये सिंदूर की तरह है, वो चुटकी भर काफी होता है, जो प्रकृति और परिस्थितियों को बदलने की भावना देता है। क्या बात है। अब मैं अपने रंग में आता हूँ, बस मुझे साथ देना, ताली वाली बजाते रहना, मेरे भी बच्चे आपको बहुत दुआएं देंगे। भाई साहब आप बैठ जाओ, आपको भाभी जी की सहेली की कसम, आप बैठ जाओ। वो बैठ भी गए, कितना प्यार करते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ आपके उल्लास और उमंग के लिए, पूरी उत्फुल्लता के साथ सुनना, आनंद लेना। आपके बिहार से उठाता हूँ, घटना समझ जाओ तो आशीर्वाद देना तालियों के साथ, कि रास्ता बंद है तो आता कहां से है। चौथी पंक्ति उठा लेना, दावा करता हूँ दुगना तब्दील करके दूंगा, रास्ता बंद है तो आता कहां से है, अगर आ जाए तो फिर जाता कहां से है। गलत जगह ताली बजाई, अब बजाना ताली, रास्ता बंद है तो आता कहां से है, अगर आ जाए तो फिर जाता कहां से है। 1 अप्रैल से बंद हो गई है दारू की दुकान, फिर भी टुन्न है यार, लाता कहां से। अपनी समस्या ये है, पनाह नहीं देती। 4 पंक्तियां आपका टेस्ट लेता हूँ, बात अभी बनी नहीं, ताली उतनी नहीं है, अब देखता हूँ ताली कितनी आती है। कि अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी, एक गंगा स्नान का मौका और दे रहा हूँ। कि अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी, डाकुओं को पूरा बाजार देने की जरूरत क्या थी, और जब मालूम था चूना लगाकर भाग जाएगा तो विजय माल्या को इतना उधार देने। आनंद लो, कोई मैं जब तक हूँ तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अब मुझे हाथ उठा के बता दे क्रिकेट के कितने शौकीन लोग बैठे हुए हैं। बस बड़ा आनंद आए। अब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, एक डुबकी लगाने का मौका और देता हूँ, खूब आनंद लेना साहब, मन से सुनना, और चौथी पंक्ति ठक से लगे तो तालियां उठा देना। कि गजब के ठाठ हो जाते भाई, कि गजब के ठाठ हो जाते, गजब के ठाठ हो जाते,
अपने भी राज पाठ हो जाते और अगर मिल जाती कोई अनुष्का शर्मा तो हम भी कब के विराट हो जाते। मैं इसी तरह से आपको हंसता मुस्कुराता गुदगुदाता चलूंगा और ताजी ताजी चार पंक्तियां पढ़ता हूं। अब मैं देखता हूं कि आप लोग अखबार लगातार पढ़ते हैं, जागरण जैसा अखबार आपके आपके समक्ष है ताजा के लिए। बता देना चाहते आपके परिचय के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए कि आदरणीय संजय सरावगी जी हमारे बीच में आ गए हैं, जो दरभंगा के विधायक है, 3 विधायक हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। एक बार जोरदार ताली हमारे संजय जी। मैं सरावगी साहब, मेरा मन है कि मैं नीचे आके आपके चरण छूं, सच में इसमें हंसने का क्या है? वो इसलिए कि सर है ना, हमको क्षमा आप करना, हम लोग थोड़ा जल्दी शुरू कर दिए। अब एक चार अब एक आनंद लेना, आनंद लेना। थान के चक्कर में उसको पीस मिला है। केवल 2 ही पंक्तियां पढ़ूंगा, अगली पंक्ति इशारे किए समझ जाओ तो, कि थान के चक्कर में उसको पीस मिला है, गलत काम करा था इसीलिए कैदी नंबर 130 मिला है। हंसी कहीं से भी आती, अभी तो जोधपुर जेल में हंसी आ गई। वो वहां टुंडा भी फंसा हुआ है जहां आसाराम फंसा था, प्रार्थना में दोनों आमने सामने हो गए। वो आसाराम ने टुंडा से पूछ लिया, टुंडा तू यहाँ कैसे? बोले महाराज मैं तो बम के चक्कर में आ गया। अब टुंडा ने महाराज से पूछा, बोले मैं फुलझड़ी के चक्कर में आ गया। कोई वाला आप कहीं से भी बात निकाल सकते हो। आप सबने मेरी बात का समर्थन किया, इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ। विधायकगण की त्रिवेणी बैठी है, उनके आशीषमय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। हंसने हंसाने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती, ऐसा मैंने निवेदन किया। आपके भीतर हंसी होती, हंसी बाहर निकल के आती है। पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया, रात को 9 बजे श्रीमती जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। मैं अपने मित्र से मोबाइल पर बात कर रहा था, इधर श्रीमती जी की कोहनी का टल्ला मेरे सर पर चल रहा था। मुझसे कहने लगी, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने? मैं बोला, क्या खाक बने, बार बार कंकर आते हैं, बिन नहीं सकती थी क्या? भगवान ने 2 बड़ी बड़ी आंख दी है। कहने लगी, चीखो मत, इस बात पर कुछ कहूंगी तो तर्क पड़ेगा, देने के नाम पे भगवान ने तुझे भी 32 दांत दिए, 2-4 चवाले, कौन सा फर्क पड़ेगा? हाउ टू एक्सेप्ट द वर्क बाय द गिवन रिसोर्सेस, ये इंग्लिश का सेंटेंस इसलिए बोला ताकि आपको लगे कि एक कवि बहुत इंटेलिजेंट टाइप का है। अपनी ब्रांडिंग खुद को ही करना पड़ती है, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। और बिल्कुल सत्य घटना आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सत्य घटना। पिछले दिनों दरभंगा आया था मैं अग्रवाल जी के यहाँ शादी में, मैं और मेरी पत्नी। भाई साहब बिल्कुल सत्य घटना, हम दोनों पति पत्नी, भाभी जी साड़ी मार्केट है ना आपके, कपड़ा मार्केट, वहां हम दोनों पति पत्नी हाथ पकड़ के घूम रहे, हंसी कहां से निकलती, ऐसे ऐसे जिल्ले इलाही की मुद्रा में, मैं और मेरी धर्म पत्नी ऐसे। सामने से सरावगी सर चले आ रहे, डांटते हुए पूछा, दिक्कत सारी, शादी को कितने साल हो गए? मैंने कहा, विधायक जी हो गए 17-18 साल। बोले 18 साल बाद भी इतना अनन्य प्रेम कि साड़ी मार्केट में खुद की बीवी का हाथ पकड़ के घूम रहे हो, ऐसा अटूट प्यार। मैंने कहा, भाई साहब प्यार है, भाड़ में हाथ छोड़ दूंगा, दुकान में घुस जाएगी। ताली वाली अच्छी लगती है, आपकी मुस्कुराहट अच्छी लगती है, मैं भी इंसान हूं इसी धरती का, मुझे भी तालियों की गड़गड़ाहट अच्छी लगती है, आनंद लो। ये 4 पंक्तियां आपको और सुनाता हूं आनंद के लिए। एक शब्द चित्र डिजाइन का एलिग्री, एलिग्री तैयार करता हूं, शब्द चित्र तैयार करता हूं कि मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी 15 बरस बाद अफ्रीका से लौट कर आया। तो स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खड़ी उसकी बेहद बदसूरत पत्नी को उसने गले से लगाया और झूम कर गाने लगा, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना है, तू ही तो मेरी कैटरीना है, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना है, तू ही तो मेरी कैटरीना है। मैं पास में खड़ा था, मैंने कहा, यार संतोषी क्यों भावनाओं में बहता है, इतनी बदसूरत बीवी है फिर भी उसे कैटरीना क्यों कहता है? वह बोला, दिग्गज जी यूं तो आपकी कलम हर बात सच लिखेगी, लेकिन आप भी 15 साल अफ्रीका में रह के आ जाओ, आपको भी आपकी बीवी कैटरीना ही दिखेगी। हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। अभी 2 जून को मेरी एनिवर्सरी थी, मेरी विवाह की वर्षगांठ थी सर,
पत्नी जिद पड़ गई कि मेरे ऊपर कोई श्रृंगार का गीत सुना। मैंने कहा श्रृंगार मैं लिख ही नहीं सकता, मैं हास्य का आदमी, क्या श्रृंगार लिखूंगा सर, मैं तो भंगार लिखता हूँ। मैं बोला नहीं, श्रृंगार का गीत सुनाओ। पत्नी को सामने बिठाया, श्रृंगार का गीत सुनाया। जागरण के इस महनी आयोजन में जितने शादीशुदा लोग यहाँ आए हुए हैं सर, आपके दाम्पत्य जीवन में कभी कोई टेंशन आ जाए, कभी कोई तनाव आ जाए, मेरे इस गीत की चार पंक्तियों को गुनगुना लेना। मैं दावा करता हूँ मेरा गीत आपको उतना ही रिलीफ देगा जितना क्रोसिन की गोली मलेरिया के बुखार में रिलीफ देती है। अब आनंद लेना। पत्नी को सामने बिठाया, श्रृंगार का गीत सुनाया। सुने और आनंद ले कि तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं ये वही लोग ताली बजा रहे हैं जिनकी वही वाली स्थिति है। लेकिन कविता का काम समस्या देना नहीं है, कविता का काम समाधान ढूंढना होता है। समाधान अगर अच्छा और सच्चा लगे तो आपकी तालियां उठे कि तू मुझसे दुखी मैं। हंसने के लिए कोई जरूरत थोड़ी, कहीं से आपके भीतर हंसी होना चाहिए, हंसी बाहर निकल के आ जाती है। तब भी कुछ नहीं कर पाया, अभी भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन साहब एक बात ईमानदारी से बता दूं, मेरे बड़े भैया हैं प्रताप फौजदार जी, वो भी जानते हैं, प्रताप जी से लेके गजन भैया तक जितने कवि बैठे हैं सब, कोई व्यंग का विंध्या चले, कोई हमारा मंगल पर्व है, कोई हमारी धरोहर है, कोई सुमेरु है, ये हिंदी कविता के अजस्र नक्षत्र बैठे हुए हैं। हम सबको इतनी कम भीड़ में पढ़ने की आदत नहीं है, हम सब रोज रात हजारों की भीड़ में पढ़ते हैं। लेकिन आज एक बात ईमानदारी से कह रहा हूं मिश्र जी कि वो हजारों की भीड़ हमारे लिए गुलाल की तरह है, और आज ये जो थोड़ी सी भीड़ है ना, ये सिंदूर की तरह है, वो चुटकी भर काफी होता है जो प्रकृति और परिस्थितियों को बदलने की भावना देता है। क्या बात है। अब मैं अपने रंग में आता हूँ, बस मुझे साथ देना, ताली वाली बजाते रहना, मेरे भी बच्चे आपको बहुत दुआएं देंगे। भाई साहब आप बैठ जाओ, आपको भाभी जी की सहेली की कसम, आप बैठ जाओ। वो बैठ भी गए, कितना प्यार करते हैं। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ आपके उल्लास और उमंग के लिए, पूरी उत्फुल्लता के साथ सुनना, आनंद लेना। आपके बिहार से उठाता हूँ, घटना समझ जाओ तो आशीर्वाद देना तालियों के साथ कि रास्ता बंद है तो आता कहां से है। चौथी पंक्ति उठा लेना, दावा करता हूं दुगना तब्दील करके दूंगा, रास्ता बंद है तो आता कहां से है, अगर आ जाए तो फिर जाता कहां से है। गलत जगह ताली बजाई, अब बजाना ताली, रास्ता बंद है तो आता कहां से है, अगर आ जाए तो फिर जाता कहां से है। 1 अप्रैल से बंद हो गई है दारू की दुकान, फिर भी टुन्न है यार, लाता कहां से। अपनी समस्या ये है, पनाह नहीं। चार पंक्तियां आपका टेस्ट लेता हूं, बात अभी बनी नहीं, ताली उतनी नहीं है, अब देखता हूं ताली कितनी आती है। कि अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी, एक गंगा स्नान का मौका और दे रहा हूं। कि अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी, डाकुओं को पूरा बाजार देने की जरूरत क्या थी, और जब मालूम था चूना लगाकर भाग जाएगा तो विजय माल्या को इतना उधार देने मैं जब तक हूँ तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अब मुझे हाथ उठा के बता दे क्रिकेट के कितने शौकीन लोग बैठे हुए हैं। बस बड़ा आनंद आए। अब चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, एक डुबकी लगाने का मौका और देता हूँ, खूब आनंद लेना साहब, मन से सुनना, और चौथी पंक्ति ठक से लगे तो तालियां उठा देना कि गजब के ठाठ हो जाते भाई साहब, आप गजब के ठाठ हो जाते, गजब के ठाठ हो जाते, अपने भी राज पाठ हो जाते, और अगर मिल जाती कोई अनुष्का शर्मा तो हम भी कब के विराट हो जाते। मैं इसी तरह से आपको हंसता मुस्कुराता गुदगुदाता चलूंगा, और ताजी ताजी चार पंक्तियां पढ़ता हूं। अब मैं देखता हूं कि आप लोग अखबार लगातार पढ़ते हैं, जागरण जैसा अखबार आपके आपके समक्ष है, ताजा के लिए बता देना चाहते आपके परिचय के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए कि आदरणीय संजय सरावगी जी हमारे बीच में आ गए हैं, जो दरभंगा के विधायक हैं, 3 विधायक हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। एक बार जोरदार ताली हमारे संजय जी। मैं सरावगी साहब, मेरा मन है कि मैं नीचे आके आपके चरण छूं, सच में इसमें हंसने का क्या है। वो इसलिए कि सर है ना, हमको क्षमा आप करना, हम लोग थोड़ा जल्दी शुरू कर दिए, क्षमा।
अब एक आनंद लेना, आनंद लेना। खान के चक्कर में उसको पीस मिला है। केवल दो ही पंक्तियां पढ़ूंगा, अगली पंक्ति इशारे किए समझ जाओ तो, कि थान के चक्कर में उसको पीस मिला है। गलत काम करा था इसीलिए कैदी नंबर 130 मिला है। हंसी कहीं से भी आती, अभी तो जोधपुर जेल में हंसी आ गई। वो वहां टुंडा भी फंसा हुआ है जहां आसाराम फंसा था। प्रार्थना में दोनों आमने सामने हो गए। वो आसाराम ने टुंडा से पूछ लिया, टुंडा तू यहाँ कैसे? बोले महाराज मैं तो बम के चक्कर में आ गया। अब टुंडा ने महाराज से पूछा, बोले मैं फुलझड़ी के चक्कर में आ गया। कोई वाला आप कहीं से भी बात निकाल सकते हो। आप सबने मेरी बात का समर्थन किया, इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ। विधायकगण की त्रिवेणी बैठी है, उनके आशीषमय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। हंसने हंसाने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती, ऐसा मैंने निवेदन किया। आपके भीतर हंसी होती, हंसी बाहर निकल के आती है। पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया, रात को 9 बजे श्रीमती जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। मैं अपने मित्र से मोबाइल पर बात कर रहा था, इधर श्रीमती जी की कोहनी का टल्ला मेरे सर पर चल रहा था। मुझसे कहने लगी, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने? मैं बोला, क्या खाक बने, बार बार कंकर आते हैं, बिन नहीं सकती थी क्या? भगवान ने दो बड़ी बड़ी आंख दी है। कहने लगी, चीखो मत, इस बात पर कुछ कहूंगी तो तर्क पड़ेगा। देने के नाम पे भगवान ने तुझे भी 32 दांत दिए, 2-4 चबाले, कौन सा फर्क पड़ेगा? हाउ टू एक्सेप्ट द वर्क बाय द गिवन रिसोर्सेस। ये इंग्लिश का सेंटेंस इसलिए बोला ताकि आपको लगे कि एक कवि बहुत इंटेलिजेंट टाइप का है। अपनी ब्रांडिंग खुद को ही करना पड़ती है, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। और बिल्कुल सत्य घटना आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सत्य घटना। पिछले दिनों दरभंगा आया था मैं अग्रवाल जी के यहाँ शादी में, मैं और मेरी पत्नी। भाई साहब बिल्कुल सत्य घटना, हम दोनों पति पत्नी, भाभी जी साड़ी मार्केट है ना आपके, कपड़ा मार्केट, वहां हम दोनों पति पत्नी हाथ पकड़ के घूम रहे। हंसी कहां से निकलती? ऐसे ऐसे, जिल्ले इलाही की मुद्रा में, मैं और मेरी धर्म पत्नी ऐसे ऐसे। सामने से सरावगी सर चले आ रहे, डांटते हुए पूछा, दिक्कत सारी, शादी को कितने साल हो गए? मैंने कहा, विधायक जी हो गए 17-18 साल। बोले 18 साल बाद भी इतना अनन्य प्रेम कि साड़ी मार्केट में खुद की बीवी का हाथ पकड़ के घूम रहे हो, ऐसा अटूट प्यार। मैंने कहा, भाई साहब प्यार गया भाड़ में, हाथ छोड़ दूंगा दुकान में घुस जाएगी। ताली वाली अच्छी लगती है, आपकी मुस्कुराहट अच्छी लगती है, मैं भी इंसान हूं इसी धरती का, मुझे भी तालियों की गड़गड़ाहट अच्छी लगती है। आनंद लो, एक चार पंक्तियां आपको और सुनाता हूं। आनंद के लिए एक शब्द चित्र डिजाइन करें, एलिग्री तैयार करता हूं, एक शब्द चित्र तैयार करता हूं कि मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी 15 बरस बाद अफ्रीका से लौट कर आया। तो स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खड़ी उसकी बेहद बदसूरत पत्नी को उसने गले से लगाया और झूम कर गाने लगा, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना है, तू ही तो मेरी कैटरीना है। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना है, तू ही तो मेरी कैटरीना है। मैं पास में खड़ा था, मैंने कहा, यार संतोषी क्यों भावनाओं में बहता है, इतनी बदसूरत बीवी है फिर भी उसे कैटरीना क्यों कहता है? वो बोला, दिग्गज जी यूं तो आपकी कलम हर बात सच लिखेगी, लेकिन आप भी 15 साल अफ्रीका में रह के आ जाओ, आपको भी आपकी बीवी कैटरीना ही दिखेगी। हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। अभी 2 जून को मेरी एनिवर्सरी थी, मेरी विवाह की वर्षगांठ थी सर। पत्नी जिद पड़ गई कि मेरे ऊपर कोई श्रृंगार का गीत सुना। मैं क्या श्रृंगार में लिख ही नहीं सकता, मैं हास्य का आदमी क्या श्रृंगार लिखूंगा सर, मैं तो भंगार लिखता हूँ। मैं बोला, नहीं श्रृंगार का गीत सुनाओ। पत्नी को सामने बिठाया, श्रृंगार का गीत सुनाया। जागरण के इस महनी आयोजन में जितने शादीशुदा लोग यहाँ आए हुए हैं सर, आपके दाम्पत्य जीवन में कभी कोई टेंशन आ जाए, कभी कोई तनाव आ जाए, मेरे इस गीत की 4 पंक्तियों को गुनगुना लेना। मैं दावा करता हूँ मेरा गीत आपको उतना ही रिलीफ देगा जितना क्रोसिन की गोली मलेरिया के बुखार में रिलीफ देती है। अब आनंद लेना, पत्नी को सामने बिठाया, श्रृंगार का गीत सुनाया। सुने और आनंद ले कि तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं ये वही लोग ताली बजा रहे हैं जिनकी वही वाली स्थिति है। लेकिन कविता का काम समस्या देना नहीं है, कविता का काम समाधान ढूंढना होता है। समाधान अगर अच्छा और सच्चा लगे तो आपकी तालियां उठे कि तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, ओ चल छत से कूद पड़े दोनों, फिर तू भी सुखी और मैं भी सुखी, फिर तू। ये समाधान ढूंढने पड़ते हैं। अच्छा, ये सारी स्थितियां क्यों निर्मित हो रही है? मैं आपको उस चिंतन
की पंक्तियों तक ले चलने की कोशिश करता हूँ। आपको याद होगा यहाँ बुजुर्ग पीढ़ी बैठी हुई है, चार दिन तक बुजुर्ग स्कूल नहीं जाते थे। स्कूल से सर चार पांच बच्चे घर आते थे, दो पैर पकड़ते थे, दो हाथ पकड़ते थे और टंगा टोली करके ले जाके क्लास में पटक देते थे। शिक्षा के प्रति असली अनुराग था। ये दृश्य खत्म हो गए। मैंने मेरी कॉलोनी में चार दिन पहले ये दृश्य देखा, चार पांच बच्चे एक को टंगा टोली करके ले जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों ये विद्यार्थी स्कूल नहीं आ रहा? बोले विद्यार्थी नहीं है, मास्टर है। मिड डे मील खा के जाता है, लौट के नहीं आता है। और उससे बड़ी सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूँ। नव दुर्गे की अभी दृश्य लगे थे, नव दुर्गे के दिन चल रहे थे, नव दुर्गे की प्रतिमा लगी थी, दुर्गा माता के दर्शन करने हम लोग सब गए। मैंने देखा एक महिला छोटी सी बच्ची को ले जाकर दुर्गा माता के दर्शन करा रही थी। अचानक वो छोटी बच्ची गोदी में से दुर्गा माता की प्रतिमा की तरफ हाथ करके चिल्लाई, मम्मी मम्मी देखो देखो। तो उसकी मम्मी ने उसे मुंह दबा दिया, चुप, हंसी कहां से आती है। तो मैं पीछे खड़ा था, मैंने कहा भाभी जी बच्चों को बोलने दो, बच्चे बोलते तो बच्चों का विकास होता है, आखिर आपकी बच्ची क्या कह रही है? वो बोली भैया ये कह रही है कि दुर्गा माता के पास जो राक्षस खड़ा है मम्मी बिल्कुल पापा जैसा दिख रहा है। इसको आप कहीं से भी हंसी निकलती है, हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती है। क्या जीना है, तू ही तो मेरी कैटरीना है। मैं पास में खड़ा था, मैंने कहा यार संतोषी क्यों भावनाओं में बहता है, इतनी बदसूरत बीवी है फिर भी उसे कैटरीना क्यों कहता है? वो बोला दिग्गज जी यूं तो आपकी कलम हर बात सच लिखेगी, लेकिन आप भी 15 साल अफ्रीका में रह के आ जाओ, आपको भी आपकी बीवी कैटरीना ही दिखेगी। हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। अभी 2 जून को मेरी एनिवर्सरी थी, मेरी विवाह की वर्षगांठ थी सर। पत्नी जिद पड़ गई कि मेरे ऊपर कोई श्रृंगार का गीत सुना। मैं क्या श्रृंगार में लिख ही नहीं सकता, मैं हास्य का आदमी क्या श्रृंगार लिखूंगा सर, मैं तो भंगार लिखता हूँ। मैं बोला नहीं श्रृंगार का गीत सुनाओ। पत्नी को सामने बिठाया, श्रृंगार का गीत सुनाया। जागरण के इस महनी आयोजन में जितने शादीशुदा लोग यहाँ आए हुए हैं सर, आपके दाम्पत्य जीवन में कभी कोई टेंशन आ जाए, कभी कोई तनाव आ जाए, मेरे इस गीत की चार पंक्तियों को गुनगुना लेना। मैं दावा करता हूँ मेरा गीत आपको उतना ही रिलीफ देगा जितना क्रोसिन की गोली मलेरिया के बुखार में रिलीफ देती है। अब आनंद लेना। पत्नी को सामने बिठाया, श्रृंगार का गीत सुनाया, सुने और आनंद ले कि तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं। ये वही लोग ताली बजा रहे हैं जिनकी वही वाली स्थिति है। लेकिन कविता का काम समस्या देना नहीं है, कविता का काम समाधान ढूंढना होता है। समाधान अगर अच्छा और सच्चा लगे तो आपकी तालियां उठे कि तू मुझसे दुखी मैं। हंसने के लिए कोई जरूरत थोड़ी, कहीं से आपके भीतर हंसी होना चाहिए, हंसी बाहर निकल के आ जाती है। तब भी कुछ नहीं कर पाया, अभी भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन साहब एक बात ईमानदारी से बता दूं, मेरे बड़े भैया है प्रताप फौजदार जी, वो भी जानते हैं, प्रताप जी से लेके गजन भैया तक जितने कवि बैठे हैं सब, कोई गंग का विंध्या चले, कोई हमारा मंगल पर्व है, कोई हमारी धरोहर है, कोई सुमेरु है, ये हिंदी कविता के अजस्र नक्षत्र बैठे हुए हैं। हम सबको इतनी कम भीड़ में पढ़ने की आदत नहीं है, हम सब रोज रात हजारों की भीड़ में पढ़ते हैं। लेकिन आज एक बात ईमानदारी से कह रहा हूं मिश्र जी कि वो हजारों की भीड़ हमारे लिए गुलाल की तरह है, और आज ये जो थोड़ी सी भीड़ है ना ये सिंदूर की तरह है, वो चुटकी भर काफी होता है जो प्रकृति और परिस्थितियों को बदलने की भावना देता है। क्या बात है। अब मैं अपने रंग में आता हूँ, बस मुझे साथ देना, ताली वाली बजाते रहना, मेरे भी बच्चे आपको बहुत दुआएं देंगे। भाई साहब आप बैठ जाओ, आपको भाभी जी की सहेली की कसम, आप बैठ जाओ। वो बैठ भी गए, कितना प्यार करते हैं। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ आपके उल्लास और उमंग के लिए, पूरी उत्फुल्लता के साथ सुनना, आनंद लेना। आपके बिहार से उठाता हूँ, घटना समझ जाओ तो आशीर्वाद देना तालियों के साथ कि रास्ता बंद है तो आता कहां से है। चौथी पंक्ति उठा लेना, दावा करता हूं दुगना तब्दील करके दूंगा, रास्ता बंद है तो आता कहां से है, अगर आ जाए तो फिर जाता कहां से है। गलत जगह ताली बजाई, अब बजाना ताली, रास्ता बंद है तो आता कहां से है, अगर आ जाए तो फिर जाता कहां से है। 1 अप्रैल से बंद हो गई है दारू की दुकान, फिर भी टुन्न है यार, लाता कहां से। आपके भीतर हंसी होना चाहिए, आप अच्छे मूड में बैठो। अभी एक सेंटेंस आपको बोलूंगा हंसी आ जाएगी। कल मेरी पत्नी ने मुझसे जो प्रश्न किया, बोले आप तो इतने भोले हो कि आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। मैंने कहा शुरुआत तो तेरे बाप ने करी थी, अपन क्या कर सकते हैं।
राकेश। लेकिन ये सारी विसंगतियां क्यों पैदा हो रही है, सारी दिक्कतें क्यों पैदा हो रही है? ये हजारों रुपए के इंस्ट्रूमेंट जो आपके हाथों में, हजारों रुपए के जो खिलौने आपके हाथों में हैं, जिसे 24-24 घंटे आप लोग सेल्फी लेते रहते हो, जिसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि हमारी रवायत की, हमारी परंपराओं की रक्षा करेगा, हमारे रिश्तों को कमजोर नहीं होने देगा, उसने हमारे रिश्तों को कमजोर कर दिया। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं, चौथी पंक्ति आपको लगे कि मेरे साथ चलना चाहिए तो आपकी तालियों से समर्थन मिले कि फूलों की तरह रोज खिलो अच्छा लगेगा। आपको सौंपता हूं, आपको सौंपता हूं, मेरी युवा पीढ़ी, युवा दोस्त जो बैठे उनको सौंपता हूं कि फूलों की तरह रोज खिलो अच्छा लगेगा, लिबास दोस्ती के सिलो अच्छा लगेगा। फेसबुक पर मिलते हो फालतू लोगों से, लेकिन गांव जाकर सगे भाई से मिलो अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। गांव जाकर सगे भाई से मिलो अच्छा लगेगा। मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी करता हूं, उसके पहले मैं टीचर हुआ करता था, मास्टर हुआ करता था। मैंने सर टीचरशिप केवल इसलिए छोड़ दी, मुझे लगा इस देश का भविष्य बहुत सुरक्षित है, नौकरी छोड़ देना चाहिए। जिस तरह आप हंस रहे, पूरी क्लास हंस रही थी, सब बच्चों से मैंने कहा, सब बच्चे मेरे साथ बोलो, हमारे पूर्वज बंदर थे। नहीं सर, ही नहीं, ऐसे ही तो पढ़ाते थे क्लास में, हमारे पूर्वज बंदर थे। कोई नहीं बोला, पीछे से एक बच्चा खड़ा हुआ, बोले तेरे ही होंगे, हमारे तो अग्रवाल थे। कोई सुधरना नहीं चाहता, सच बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, एक दिन की सत्य घटना बता रहा हूँ श्रीमान। कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा था मैं क्षमादान, मैंने कहा बच्चों किसी से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। तभी एक बच्चे ने मेरे चेहरे को भांपते हुए मुझसे कहा, मास्टर जी बाईपास से निकलकर मत जाओ, कोई घटना हुई हो तो उदाहरण सही बताओ। मैंने कहा जंग बाण छोड़ने की जरूरत क्या है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत क्या है? देखो देखो, पप्पू ने आम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काट डाला, फिर भी मैंने पप्पू को न पीटा, न सजा दी, न क्लास से निकाला, बताओ इसके पीछे मेरी कौन सी भावना साथ में है? तभी एक बच्चा बोला, भावना को मारो गोली, सजा तो इसलिए नहीं थी क्योंकि कुल्हाड़ी अभी पप्पू के हाथ में है, वो तुम्हारे फाइल निपटा देगा। ये पीढ़ी इतनी चैतन्य और जागरूक पीढ़ी हो गई है। और अब एक सत्य घटना भाई साहब, अभी मैंने एक बच्चे से मिले सहित से देखा, मैंने कहा बच्चों पढ़ा लिखा करो ताकि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, और गंग अगर आपको समझ में आ जाए तो आपकी तालियां उठे। मैंने कहा बच्चों पढ़ा लिखा करो ताकि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। तभी एक बच्चा बोला, पढ़ाई लिखाई और नौकरी के लिए पढ़ाई लिखाई करता है कौन, हम तो बैंक से लोन लेंगे लोन। वो वहां से बाहर नहीं, वो नीरव मोदी विजय माल्या से बाहर नहीं आना चाहते। बाप हंसी के लिए मैंने आपको कहा, बार बार कहा, हंसना कोई पाप नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के 65वें श्लोक में सर्वेश्वर ने स्वयं अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि मनुष्य मात्र के लिए हंसना क्यों जरूरी है। कहा सर्वेश्वर ने कि प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो येषु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। जब आप हंसते हैं, आह्लादित होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं, तो आपके भीतर के सारे दुख तिरोहित हो जाते हैं, तो आपको स्थिर बुद्धि प्राप्त होती है, जो भगवत प्राप्ति का, जो उस मालिक का सितार आपका सीधा जोड़ती है। कथा खत्म हो गई, ताली बजा सकते हो। ड्राई सब्जेक्ट में से हंसी कैसे आती, कितना बढ़िया बोर्ड लगा हुआ है, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन दैनिक जागरण की प्रस्तुति। मैंने ब्लैक बोर्ड पर एक शब्द लिखा, इलेक्ट्रिसिटी। आप मुझे बता दीजिए इसमें हंसने की कौन सी, काय की आवाज है ये? आपके सम्मान में ढोल तमाशे बज रहे। हाँ वो वैसे ही होता, मेरा ये सब मेरे ससुराल पक्षी लोग हैं, मेरे जन्म पत्रिका में है। मैंने ब्लैक बोर्ड पर शब्द लिखा इलेक्ट्रिसिटी, आप विद्वान लोग हैं मुझे बता दीजिए इसमें हंसने की बात थी क्या। मैंने एक बच्चे से पूछा क्या लिखा, हंसी कहां से निकलती है, मैं सिर्फ उसके उस पे एनालिसिस करूंगा। बच्चा तुतलाता था, बोला मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने कहा ये फ्यूज बल्ब, इसे बोलना नहीं आता। 3 दिन बाद मम्मी आई, मास्टर जी क्या हुआ? मैंने कहा आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती, अच्छा नहीं लगता। उसकी मम्मी कहने लगी, मास्टर जी माफ कर दो ना, बच्चा छोटा है, इसकी कैपेसिटी ही कितनी है। और मैंने कहा बल्ब फ्यूज नहीं है, स्विच खराब है। 4 दिन बाद पिताजी और मास्टर जी घर वालों को क्यों बुला रहे हो, पेरेंट्स मीटिंग है क्या? मैंने कहा काय की पेरेंट्स मीटिंग है, आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी पत्नी कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, पूरी क्लास हंसती, अच्छा नहीं लगता। उसके पिताजी ने मुझे डांटते हुए कहा, मास्टर जी बात बहुत छोटी सी है, पर फोकट की पब्लिसिटी मत करो यार। और मैंने कहा ना बल्ब फ्यूज है ना स्विच खराब है, पावर हाउस में ही फाल्ट है। मैंने उस बच्चे के पैर, बाप का आनंद लेना अब आएगा मजा, मैंने उस बच्चे के पैर पकड़ लिया। मैंने कहा मेरे बाप तेरे घर में कोई और है? बोले दादाजी 80 साल के। मैंने कहा भेज उस आइटम को भी चेक कर ले। दादाजी आए, नमस्कार क्या हो गया? मैंने कहा दादाजी
आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती अच्छा नहीं लगता। 80 बरस के बुजुर्ग ने जवाब दिया, लाजवाब कर दिया, आपकी तालियां उठे, बुजुर्ग ने जवाब दिया, बोला मास्टर जी माफ कर दो, ये सब तो जाहिल और गवार है, इन्होंने यूनिवर्सिटी का कभी मुंह ही नहीं देखा। इसे सुधारने की बात या नई पीढ़ी, नई नोनी हाल पीढ़ी बैठी है, जिसने अभी कॉन्वेंट स्कूलों में 1 1 8 8 2 16 8 24 पढ़ा होगा, या बुजुर्ग पीढ़ी बैठी हुई है मेरे सामने, जिसने गांव के स्कूलों में 8 1 8 8 2 16 8 24 पढ़ा होगा, दोनों के बीच एक ब्रिज बनाने की कोशिश करता हूँ। कोई कविता नहीं है, सिर्फ एलिग्री है। हंसी कैसे आती है? क्योंकि हम सब हंसना भूल गए हैं, हमने रोना सीख लिया है। जिस दिन हम हंसना सीख जाएंगे, उस दिन हम जिंदा रहना सीख जाएंगे। हम दुखों में हंसे, हम मुस्कुराएं, हंसे ठहाके लगाए। तब किसी शायर ने कहा कि मुस्कुराओ कि जिंदगी लोटे, रेत की तह में नमी लोटे, ओठ पर जम गए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लोटे। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं बार बार कहता हूँ कि मस्खरा मशहूर है आंसू छुपाने के लिए, बांटता है वो हंसी सारे जमाने के लिए। जिंदगी में गम बहुत है हर कदम पर हाथ से, आओ कुछ टाइम निकाले मुस्कुराने के लिए। क्या बात, आओ कुछ टाइम निकाले मुस्कुराने के लिए। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, तुझे 8 का पहाड़ा आता है? वो बोला, मुझे मास्टर 8000 तक आते हैं, पूछ ले कहां से पूछना है। मैंने कहा, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मुझे 20 से ज्यादा याद नहीं हो रहा, तुझे 8000? बोला, पूछ ले, जो पूछना पूछ ले सब। मैंने बड़ा चेतन में है तू, मैंने उसके पैर छुए, वो बेंच पर खड़ा हो गया। 8 का पहाड़ा उसने किस तहजीब और किस तमद्दुन के साथ सुनाया, कोई कविता नहीं है, केवल हंसी। 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 8 5 8 6 8 7 8 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
उसका जवाब अच्छा लगे तो आपकी तालियां तवे से उठा दी। मैं क्या चुप, मुझे बीच में क्या करता है, तेरा तो जीवन बर्बाद है। वो बोला मास्टर पाड़ा भूल गया तो क्या हुआ, धुन तो पूरी याद है। बाहर नहीं निकलना चाहता। लेकिन साहब ये सारी घटनाएं क्यों हो रही है, पिछले दिनों जब मैं इंडोनेशिया से लौट कर आया, दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था, वहां एक दृश्य देखा जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वहां चार पंक्तियां बनी, मैंने देखा कि एक बच्ची सेल्फी ले रही थी। अच्छा मुझे आज तक शब्द ये समझ में नहीं आया कि सेल्फी लेते समय मुंह को बकरी की तरह क्यों बनाया जाता, ऐसा क्यों किया जाता, मुझे कारण बताया। आप लोग आप एलिट क्लास है, विद्वान लोग, मुझे बता दीजिए क्या कारण है। डार्विन ने कहा है जिस संघ का जिस ढंग से प्रयोग करोगे आगे चल के वो अंग उसी प्रकार का हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात ये नहीं थी, चिंतन की बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो हर सेल्फी के बाद अपने मोबाइल का कैमरा साफ करती और फिर फोटो लेती। तब मैंने उस बच्ची से कहा, मैंने कहा बच्चे अपने मोबाइल का कैमरा साफ मत करो, अपना चेहरा साफ कर लो, फोटो ठीक आ जाएगा। क्या बात है, अच्छा है। तब अंतिम चार पंक्तियां बोलता हूँ, आपको सौंपता हूँ, और चौथी पंक्ति पर देखना चाहता हूँ कि दरभंगा के सुधीश होता कितना मेरा साथ देते, कितना मेरा समर्थन करते हैं। कि बहुत सेल्फियां लेते हो जरा मुस्कुराया करो, बहुत सेल्फियां लेते हो जरा मुस्कुराया करो, अपने चेहरे को आए